बरसात के चलते कुछ सुधरा है? बाजार तो सुधरे हैं, बरसात इससे पहले तो बहुत डाउन था, यार ही रुपए बिक रहा था। अच्छा, तो सुधर गया। ब्रह्मो में आलू के भाव चल रहे हैं, कैसी बिक्री हो रही है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बढ़िया वीआईपी आलू है जो कि आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे हो, एकदम से अभी अभी तुरंत ये लाट खोला गया है। बुवाई ज्यादा लेट नहीं है, बुवाई यही सितंबर के लास्ट। नमस्कार मेरे किसान साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो। अभी फिलहाल में हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर हैं, जहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा सा ये पैकेट अगर देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहे होंगे, और यह कोल्ड स्टोरेज देखो रसीद कोल्ड स्टोरेज है। इसी वीडियो में अभी आप लोगों को सबसे पहले हम बरामदा का व्यू दिखाएंगे। उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं वो आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। देखो अभी फिलहाल में क्या है, इस समय मैंने उन एरिया में बात की जिन एरिया में आलू की बुवाई हर हाल में 20 सितंबर के बाद शुरू हो जाती थी। वहां से खबर प्राप्त हुआ कि इस समय किसान भाई डरे हुए हैं बारिश से, क्योंकि लोगों का मानना है कोई 23-24 में बारिश बताता है, तो कोई 26-27 में बताता है, कोई 30-29 में बताता है। तो बारिश ना हो या बारिश हो गई उसको लेकर के किसान डरे हुए हैं और बिजाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आलू बिजाई की बात आती है तो अब आप अक्टूबर में ही बात करें बिजाई की, कन्नौज और फरकाबाद की। अगर कुछ लोग जो हैं जो बिजाई कर भी देंगे अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर, उनका क्या है आपको बता दें कि जो लोग 8 तारीख को, 10 तारीख को या 5 तारीख को आलू का बीजा निकाल के अपने घर ले गए थे, उनका बीजा गलने लगा है, सड़ने लगा है, तो उनको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब वो घर में सड़ेगा और तैसा खेत में सड़ेगा तो वो बुवाई कर भी सकते हैं, और उनका खेत ऊपर हो सकता है, बालू मिट्टी का हो सकता है, तो बुवाई हो सकती है। अदर इस समय हम कोल्ड स्टोरों में मैंने जाकर के देखा है कि कोल्ड स्टोरों में बिक्री, जिस कोल्ड स्टोरेज की बिक्री अभी आप लोग देखोगे ना, इस कोल्ड स्टोरेज में 3 शनिवार को बिक्री नहीं हुई, क्योंकि आलू के भाव में थोड़ा उछाल क्या आया, राशन आलू रुक गया, बीजा नहीं रुका लेकिन राशन आलू रुक गया। राशन आलू ऐसे रुक गया कि किसानों को लगा कि यार आलू का जो भाव है वो अब बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आलू बाहर देशों में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों ये सत्य है लेकिन कड़वा है, आपको थोड़ा कड़वा लग जाएगा लेकिन क्या करें, हम सच छुपा ही नहीं पाते हैं, जितना सोचते हैं कि यार छुपा लेंगे, आप लोग जैसा देखना चाहते वैसा दिखाएंगे, लेकिन वो छुपता ही नहीं, करें क्या। ये मान के चलो एक आध गाड़ी, 2-4 गाड़ी, 10 गाड़ी अगर बाहर एक्सपोर्ट हो भी जाता है तो उसमें मौका कौन मार पाता है, चौका किसका लगता है, आपका नहीं, चौका लगता है एफईओ वालों का, और अदरवाइज सरकारी के कुछ कर्मचारी लोग होते हैं वो अपना मौके में चौका मार लेते हैं, वो लिमिटेड आलू जाता है, ऐसा तो है अनलिमिटेड जा रहा है और 15 दिन में आलू पहुंच रहा है, 15 दिन बाद फिर भी अगर चले जाएंगे जैसे 600 कट्टे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं हो जाएगा साहब। तो किसान से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग आलू को रोके नहीं, आलू की बिक्री करते रहें, आलू में तेजी भी आएगी और अच्छा भाव आपको मिलता जाएगा। अभी फिलहाल में किसान वो माफ कीजिएगा रसीद कोल्ड स्टोरेज का हालात कुछ ऐसा है कि बाहर बिक्री नहीं हो रही है, अच्छे माल नहीं आ रहे हैं, पैसा अच्छे मांगे जा रहे हैं, व्यापारी भाई दे नहीं पा रहे हैं, जितनी कटाई हो रही है व्यापारी भाई अपने स्वयं का आलू बेच रहे हैं, क्योंकि उनको क्या होता है 50 रुपए मिल रहे बहुत है, वो कटाई कर देते हैं साहब, लेकिन आप लोग आलू को रोक लेते हो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए कोई नहीं, अदर ऊना होशियारपुर और आपका कर्नाटक हसन की जानकारी हमने एकत्रित कर ली है, वो वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो में देख सकते हो कि ऊना होशियारपुर में और कर्नाटक हसन में आलू की खुदाई कैसी है, ऊना होशियारपुर में क्या कुछ पोजिशन है और आने वाले समय में क्या कुछ पोजिशन बन सकती है, वो मैं आप लोगों को उस वीडियो में जानकारी दूंगा।
आप लोग पहले रशीद कोल्ड स्टोरेज में आज जो आलू की बिक्री का कार्यक्रम चल रहा है इसको देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, खुद समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये आप लोग जो है न्यू हाईलैंड आलू देख रहे हैं, ये जो है न्यू हाईलैंड आलू लगभग जो है नंबर एक में दिखाई दे रहा है, बढ़िया VIP आलू है जो कि आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे हो एकदम से, अभी अभी तुरंत ये लाट खोला गया है। और ये आलू फिलहाल में जो व्यापारी भाई थे उन्होंने 1,050 रुपये बताए हैं, और जो किसान भाई हैं वो 1,100 में बिक्री करेंगे। और अभी फ़िलहाल में किसान भाई से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? हमारा नाम भैया अरविंद यादव है। कहाँ से हो आप? हम खड़नी। खड़नी से यहाँ पर आए हो, कितने पैकेट है ये? ये लगभग 82 पैकेट है। 82। क्या रेट मांगा गया? ये 1,050 रुपये मांगा गया, 1,100 रुपये हम उसको। आप 1,100 में दोगे? अच्छा, तो आपके तरफ में बिजाई वगैरह कब होती थी कच्चे सीजन की? कच्चे सीजन की बुआई का तो समय लगभग चल ही रहा है। चल रहा है, वो तो निकल ही गया है, मैं लग रहा निकले गया, 15 दिन बाद ही होगी। कितना लेट आप बिजाई समझते हो? कम से कम 15 दिन लेट हो गया। 15 दिन लेट है, 15 दिन तो पक्का है। वैसे बाद में कोई कोई जो है 5 सितंबर 10 सितंबर लगाता था, वो तो डिलीट ही हो गया बिल्कुल, तो बिजाई लेट है ना आपकी तरफ भी? सब जगह है। अब कब से स्टार्ट हो पाएगी लगभग? अभी आप अक्टूबर में आप देखिएगा, फर्स्ट वीक में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो पाएगी है। तो अभी देखो ये मैनेजर साहब भी आ गए हैं, और इधर ये व्यापारी भाई ऋषभ भाई साहब हैं, और एकदम देखो किस हिसाब से तरीके से बातचीत चल रही है अभी फिलहाल में। तुम तो अब पहली बार खाते बोल रहे हो, तुम्हारे पापा पहली बार जा रहे हो। ये आलू आप लोग देख पा रहे हो, ये आलू अभी आप लोगों को मैं जो दिखा रहा था, इस आलू का बिक्री 1,070 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से हुई है। 1,070 रुपये में प्रति पैकेट, मतलब किसान का दाम है वजन 53 किलो का है भाई, और रसीद कोल्ड स्टोरेज में 1,070 रुपये प्रति पैकेट। जय जवान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम, कैसे हो आप सभी किसान एवं व्यापारी भाई? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो। इस समय हम छिबरा मऊ के रसीद कोल्ड स्टोरेज के अंदर आ चुके हैं, और अभी आज दिनांक 21 सितंबर 2024 है, और जानते हैं आज यहां पर आलू का जो भाव है राशन आलू का वो क्या है, और बीजा क्या भाव में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हालांकि आज शनिवार है, और शनिवार वाले दिन रसीद कोल्ड स्टोरेज में बोली लग करके बिक्री होती है। वीडियो में बने रहिएगा, क्या कुछ छिबरा मऊ में आलू के भाव चल रहे हैं, कैसी बिक्री हो रही है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जो है 2-3 किसान भाई बैठे हुए देख रहे हैं, ये लोग जो है किसी का आलू है कोई देख रहा है, मतलब ये आलू का बीजा का क्रियाक्रम चल रहा है। और इधर आप लोग बरामदे में जो देख रहे हो, ये टोटल जो है बिक्री होकर के इसका ग्रेडिंग का काम चल रहा है। और इस समय मैं देख रहा हूँ कोल्ड स्टोरेज में बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी लाट हमें लग रहा है, ये जो है दागी है और सड़ी है, वो पूरा आप लोग जो ऊपर आलू देख रहे हो ना, टोटल आलू सड़ा हुआ लगा हुआ है, और ये शायद ख्याति आलू है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये देखो टोटल सड़ा आलू लगा है। साथ में ही कुछ किसान भाइयों का कमेंट था कि भाई अभी फ़िलहाल में आपके यहाँ पर बुवाई, अभी बुवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है मौसम जो है 24-25 में बारिश दिखा रहा है, इस वजह से किसान भाई बिल्कुल भी बिजाई करने का तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इधर आप लोग पहले देख लो, भीड़ तो बहुत आपको दिख रही है, लेकिन अभी आपको कोई बिक्री होती हुई नज़र नहीं आएगी हमारे हिसाब से। ये देखो आप लोग, कम से कम 3 बार बोली कैंसिल हो चुकी है, और ये देखो शायद कटाई होने जा रहा है आलू, जिसकी बिक्री हो चुकी है और ये कटाई के लिए मतलब जो है जा रहा है। और सबसे पहले अभी जो है इस वीडियो में आज हम किसान भाइयों से बात करेंगे कि अभी जो है बिजाई में कितनी देर है, आलू बुवाई कब से होना प्रारंभ होगी लगभग, वो भी यहाँ पर आए हुए किसान भाइयों से थोड़ा चर्चा करेंगे, वो लोग बताएंगे कि बिजाई में कितना समय है। ये तो इधर कटाई चल रही है लाल आलू की, ये जो आप लोग आलू देख रहे हो ये न्यू हाईलैंड आलू है, और पहले आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा किस क्वालिटी का है, ये आप लोग देख लीजिएगा
न्यू आइलैंड आलू एकदम बढ़िया वीआईपी का, लेकिन ये व्यापारी भाई अपना स्वयं का कटा रहे हैं। जैसे ये अपना खुद का आलू आज कटा रहे हैं और ये आलू लिया हुआ तो बता रहे हैं 1060 का है, लेकिन आज में इसकी कीमत कम से कम 1100 रुपये प्लस, मतलब 1100 रुपये प्लस होगी, 1100 के कम का तो नहीं है आज के डेट में ये न्यू आइलैंड आलू। और अधिक जानकारी जो है यहाँ पे जो है व्यापारी भाई एवं किसान भाइयों से लेते हैं। अभी हमारे साथ रसीद कोल्ड स्टोरेज में खरीदारी कर रहे आलू व्यापारी लालू भाई। लालू भाई आज कितनी तारीख है? तारीख है 21 तारीख। दिन कौन सा है? दिन है आज शनिवार। शनिवार, शनिवार को इस कोल्ड में बोली लगती है। आज कितने पैकेट बिक्री हुए? ये तो बोली तो आज लगी नहीं है, मगर बोली कहीं पता है किसान आया नहीं ना। सबसे पहले कार्ड जानना चाहते हैं बोली ना लगने का। पर्ची नहीं कटी हुई, किसान बेचने नहीं आ रहा है। किसान ने आलू रोक लिया? जी जी रोक लिया। अभी अगर आपको आलू दिया जाए हाइब्रिड, आप नीचे में क्या लेंगे और ऊपर में क्या? भाई मानिए आप 650 से लेके 800, 650 से लेकर के 800, 650 नीचे में और ऊपर में सिर्फ 800। 850 क्यों नहीं, मतलब 850 भी चल रहा है इक्का दुक्का, तो इक्का दुक्का जो बिक रहा हो वैसे 850 भी। अच्छा अच्छा, लाल गोल वाले? लाल गोल वाले में मानिए अब 8 से लेके 900। अच्छा 950, 900 भी हो सकता है एक आध लाट जो है। बढ़िया। न्यू आइलैंड? न्यू आइलैंड मानिए आप 950 से लेके 1100 तक। कुछ किसान थे भैया बताओ 1100 वाली बात जो कह रहे थे वो बिच रहा ना, बता तो रहे हैं 1100 रुपए आलू होगा बढ़िया। हाँ 1100 बिक जाएगा। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ये ले नहीं रहे हैं 1100 में, गीला लाएगा आलू भी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब 1100 तक है वो न्यू आइलैंड आलू। अभी जो है बीजा का क्या भाव चल रहा है? बीजा भाई साहब 400 से लेके 450 रुपए इसका है हॉलैंड। हाँ, और कंचन का मानिए आप 450 से लेके 550। और ये आपका ख्याति बुखराज का? ख्याति बुखराज किसान आ रहे ले जा रहे हैं ये सब दाम ले रहे हैं। कुछ पीछे वाले भैया बताओ ख्याति बुखराज का भाव बीजा का? 750 रुपए बाहर का। 750 बाहर बाहर किसान आ रहे हैं सब दाम, मतलब है क्या लग रहा बाजार सुधरेंगे अभी बरसात के चलते? भैया बरसात के चलते कुछ सुधर है? बाजार तो सुधरे हैं बरसात पर, इससे पहले तो बहुत डाउन था, 1000 रुपए बिक रहा था। अच्छा तो सुधर गया, अब तो 100 रुपए टाइट है। हाँ, थोड़ा डिमांड भी बढ़ी, लेकिन आप न्यू आइलैंड पे टाइटिंग बता रहे हो और सफेद पे इतना टाइट नहीं बता रहे हो। आइलैंड ये समय मांग है। कहाँ जा रहा है ये? पूर्वांचल। हाँ पूर्वांचल जा रहा है, थोड़ा बहुत नेपाल भी लोडिंग शुरू हो गई। नेपाल की लोडिंग शुरू हो गई। नाम आपका? प्रमोद कुमार। कौन सा कोल्ड स्टोरेज है ये? ये रसीद कोल्ड स्टोर है। अभी आप कोल्ड स्टोरेज में जो आए हो आपको क्या देखने को मिला है? आए तो है इसलिए कि यहाँ देखे क्या मतलब अन्य किसान कैसी क्या तैयारी कर रहे हैं, वही सब देखने आए थे। और अभी जो है कोई कायदे की बिक्री भी नहीं हो रही है। आपके छिबरामू एरिया में बुवाई कब से प्रारंभ होगी? अब बुवाई छिबरामू एरिया में प्रारंभ तो हो जाती, अगर बारिश ना होती तो अब तो बुवाई चालू हो जाती, लेकिन बारिश की वजह से ये लेट हो रही है, कम से कम 8 दिन लेट हो। जो मोटे खेत हैं वो लगभग 15 दिन तक लेट हो सकते हैं बुवाई के। अच्छा, मतलब बिजाई अभी होगी नहीं इस महीने में पूरी? बिजाई होगी लेकिन कम होगी, जो ऊंचे पे खेत हैं, जो बालू वाले खेत हैं, हल्के खेत हैं, जहाँ भरा है पानी का जल भराव नहीं हो रहा, वो लोग अभी बिजाई करेंगे 2-4 दिन में। 2-4 दिन में फिर बारिश दिखा रहा है? वो बारिश दिखा रहा, थोड़ा रिस्क है, अगर एक ही बार बारिश होती तो नुकसान नहीं होगा। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है इस बार जो है बुवाई कितने दिन लेट समझते हो आप? बुवाई ज़्यादा लेट नहीं है, बुवाई यही सितंबर के लास्ट वाले वीक में होती है, और हो सकता है कि सितंबर लास्ट वीक में ना होकर कम हो जाएगी और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चली जाएगी। ये बोलो अब मेरे हिसाब से 20 दिन लेट है ये कहो, 20 दिन, क्योंकि 15 या 10 सितंबर से बिजाई शुरू हो जाती थी नादे में वो तिरबा पूरे कन्नौज एरिया में। हाँ। लेकिन इस बार नहीं हो पाई, अभी बिल्कुल 21-22 हो गया है आज। नहीं जैसा आप बता रहे वैसी बात आपकी सही है, लेकिन वो ज्यादा परसेंटेज नहीं होता था बुवाई का। अरे क्यों नहीं परसेंट, जितना कच्चा मतलब खुदता था वो टोटल जो है वो एरिया का था, वीक में ही लगता था ढंग से, वो अक्टूबर के पहले वीक में अब लगेगा। लेट तो है बुवाई? हाँ 10 से 15 दिन की लेट है, ज्यादा लेट नहीं है।
बिक्री यहाँ कैसी हो रही है? बिक्री कौन से आलू की आप पूछ रहे हैं? लाल वाले की, किसी की, जैसे बीज आई या किसान लेने आ रहे उसकी की, या फिर जो राशन आलू जा रहा है किसी की? बिक्री हो रही है नहीं हो रही? बिक्री आज तो कमी दिखाई दे रही है, नहीं बिक रहा है यहाँ पर आलू जा। भीड़ तो बहुत है कोल्ड में? भीड़ है, लेकिन वो किसान जो रेट के चक्कर में है वो रेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बिक्री है। अच्छा।